आपका क्या यहाँ पे क्या है, मतलब सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? हमारे मसाला डोसा का होता है और वड़ा इडली, वड़ा इडली का होता है। एकदम मोटी मोटी इडली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई साउथ इंडियन का टेस्ट दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टच तो आपको वो मिलेगा ही। ये 70 रुपए का डोसा है। अच्छा, ऑन डोसा। ओके, प्राइस तो ठीक है। हाँ। मार्केट में तो महंगे मिलते हैं ये। हाँ। तो 70 रुपीज फिर भी ठीक है। तो हाँ भाई, जलंधर वालों, साउथ इंडियन तो आपने बहुत सारा खाया होगा, लेकिन ऑथेंटिक साउथ इंडियन हम आपको खिलाने आ गए। तो भाई, हम आज जलंधर के कैंट में हैं, जहाँ पर मदरिया पांडे करके इनका काट जो है बहुत फेमस है, और ये सब ये जो तमिलियन है और बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट जो है लेकर आते हैं। तो चलिए मेरे साथ भैया से बात करते हैं और इसकी मेकिंग भी देखते हैं। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? तो पहले तो आप बताइए कि आपके पास क्या क्या वैरायटी है, क्योंकि हम साउथ इंडियन खाने आए हैं तो साउथ इंडियन की बहुत सारी वैरायटी होती है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी वैरायटी है आपकी साउथ इंडियन के पास? हमारे पास मसाला डोसा है, पनीर डोसा है, ओनियन डोसा है, ओनियन उत्पम है, पनीर उत्पम है। अच्छा। तो उसके बाद केरला परोठा बनाते हैं, केरला परोठा कहते हैं। वो क्या होता है? वो मैदा में पड़ता है और केरला परोठा खाने के लिए बढ़िया है। वो रोटी होती है? हाँ जी, वो केरला परोठा ही कहते हैं उसको। अच्छा। हाँ जी, उसके साथ नारियल सब्जी है, कुरमा, वेज कुरमा है, और डोसे के साथ सांभार चटनी वगैरह, नारियल चटनी हो गया, टमाटर चटनी हो गया। ठीक है। हाँ जी, तो सबसे फेमस आपका क्या यहाँ पे क्या है, मतलब सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? हमारा मसाला डोसा का होता है और वड़ा इडली, वड़ा इडली का होता है, और शाम को परोठा का होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि भैया आप डोसा बना रहे हैं, और डोसे की जो पहली लेयर होती है, जो बैटर वाली लेयर होती है, वो तो भैया ने लगा दी है। अब ऊपर से आलू वाला मसाला, भैया ये कैसे प्रिपेयर करते हो आप? ये मतलब मैं तो ये 70 रुपए का डोसा है। अच्छा, ऑन डोसा। ओके। हाँ जी, प्राइस तो ठीक है। हाँ। मार्केट में तो महंगे मिलते हैं ये। हाँ। तो 70 रुपीज फिर भी ठीक है। हाँ जी, फिर भी हम साउथ के हैं ना। हाँ, और ऑथेंटिक टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। आप देख सकते हैं कि प्याज और ये टमाटर धनिया ऊपर से प्रॉपर डाला है, ताकि टेस्ट जो है टेस्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी। तो भैया ये बैटर ये बता दीजिए, आलू का मसाला कैसे बनाते हो आप? आलू का मसाला वैसे हमारा मसाला वगैरह साउथ से आते हैं, साउथ से लेके आते हैं। ओके, तो ऑथेंटिक साउथ इंडियन का टेस्ट जान देने के लिए मसाला भी साउथ इंडियन वाला ही होता है। अच्छा। तो अब बॉइल्ड आलू में अपने ये साउथ इंडियन मसाले डालते हो सारे, है ना? सारा कुछ साउथ इंडियन मसाला मिलते हैं। और अगर बात करें, आपके पास ये वड़ा भी है और इडली भी बनाते हो आप? इडली भी है। इडली दिखा देना। इडली भी देख लेते हैं, और साथ ही में और चीजें भी देखते हैं जो जो भैया बनाते हैं। तो पहले तो ये जो है डोसा लग चुका है, डोसा प्रॉपर देख सकते हैं कैसे लाल बना है, प्रॉपर अच्छे से तैयार कर दिया भैया ने। तो हमारी प्लेट भी लगेगी, अब वो भी देखते हैं। ये डोसा का बटर है, ये चावल होता है और उड़द की दाल दोनों मिक्स होते हैं। ओके, उसके बाद ये आलू है, मसाला मिक्स है। तो आप इडली देखिए कैसे, कितनी स्पॉन्जी इडली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रॉपर फुली हुई है और एकदम मोटी मोटी इडली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई साउथ इंडियन का टेस्ट दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टच तो आपको वो मिलेगा ही। तो ये देखिए आप, सांभर में इन्होंने अपने जो है बड़े डाल के रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छी ये मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जब बड़े बनाते हैं तो थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, और सांभर में डालेंगे तो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर चटनियों की बात करें भैया, इसके साथ क्या क्या और सर्व करते हो आप? ये नारियल चटनी हो गया मैम। ओके, ये नारियल, ये और इसमें क्या क्या डालते हो आप? नारियल, नारियल हो गया, हरी मिर्च हो गया, चटनी डाल। ओके, ये दोनों मिक्स होते हैं। और ये तड़का भी लगाया हुआ है आपने, साउथ का तड़का है। हाँ, राई का तड़का भी लगाया है। दो पनीर। ये टमाटर चटनी है, प्याज टमाटर पड़ता है, टमाटर प्याज पड़ता है इसमें। ओके, तो भाई अब मेरी प्लेट लग चुकी है, तो अब मैं आपको ये डोसा जो है खाकर बताऊंगी कैसा बना है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चटनी वगैरह सारी मेरे को दी हुई है, तो ये देखिए नारियल की है, रेड चटनी भी है, और सांभर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ। पहले ये देखिए प्रॉपर इसमें फिलिंग जो है डाली हुई है। आलू की हम बात करें, और बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी भी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बाइट। तो ये मैंने ली नारियल की चटनी, और थोड़ी सी रेड चटनी, और थोड़ा सा सांबर, और बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत फ्रेश है, कुछ भी ऐसे स्मेल नहीं आ, बहुत अच्छा टेस्ट आपको आएगा, और ऑथेंटिक सा टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। आप ज़रूर एक बार यहाँ पर आकर विज़िट करना।